दोस्तों जब लॉकडाउन लगा था तो देखिए सभी बिजनेस बंद थे, लेकिन सरकार ने एक ऐसे बिजनेस को चलाने की मंजूरी दी जिसको लेने के लिए लोगों ने लाइन लगाकर उस माल को खरीदा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शराब की, और जो चीज 100 रुपए की थी वो 400 से 500 रुपए तक बिकी, यानी कि ये बिजनेस मंदी में और भी तेजी से चलता है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि इस बिजनेस में कभी मंदी नहीं आती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले चार स्मॉल कैप कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पे। दोस्तों ये कंपैरिजन हमारा होने वाला है सुला वाइन यार्ड्स, ग्लोबल स्प्रिट्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रिवरीज। दोस्तों जब मैं ये कंपैरिजन तैयार कर रहा था तो मेरे ध्यान में एक कंपनी और थी जिसके बारे में देखिए काफी लोग सर्च करते हैं, वो है रेडिको खेतान। तो उसको भी आज हमने इस कंपैरिजन में शामिल किया है। तो टोटली 5 कंपनियां जिनको आज हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करने वाले हैं, और ये सभी शराब और वाइन बनाने के कारोबार में हैं, और इनके देखिए काफी पॉपुलर ब्रांड है जिनके नाम आपने जरूर सुने होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको कुछ वैल्यूएबल लगे तो ये जरूर कर देना। तो आइए अब इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन कंपनियों की मार्केट कैप से और इनके पिछले 12 महीने की सेल्स कितनी रही है। रेडिको खेतान की मार्केट कैप है 15,985 करोड़, सुला की मार्केट कैप है 3,930 करोड़ रुपए, ग्लोबल स्पीड्स की मार्केट कैप है 3,664 करोड़ रुपए, तिलक नगर है 2,663 करोड़ और सोम है 1,928। इस लिस्ट में सबसे छोटी कंपनी है। पिछले इनके 12 महीने की सेल्स की बात करें तो रेडिको की रही है 3,143 करोड़, सुला की रही है 493 करोड़, ग्लोबल रहा 2,119 करोड़ की सेल्स, और तिलक की रही है 1,164 और सोम की रही है 807 करोड़ रुपए की सेल्स। अब हम देखते हैं कि अगर आपको इन सभी कंपनियों में 1 रुपया कमाना है तो आपको एडवांस में इन कंपनियों को कितने पैसे देने होंगे। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो रेडिको खेतान में 72.56, सुला के अंदर 44.49, ग्लोबस में 20.61, तिलक के अंदर 18.35 और सोम के अंदर है 31.95। तो हम यहाँ पे पॉइंट देते हैं रेडिको को 1, सुला को 2, ग्लोबस को 4, तिलक को 5 और सोम को मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों का ईवी बाय ईबिटा रेशियो कितना है। अब ये रेशियो देखिए जितना कम उतना अच्छा माना जाएगा। तो रेडिको के अंदर 45.2, सुला के अंदर 25.2, ग्लोबस में 15.4, तिलक में 19.9 और सोम के अंदर 20.9 पॉइंट मिलते हैं। रेडिको को 1, सुला को 2, ग्लोबस को 5, तिलक 4 और सोम को मिले पूरे 3 पॉइंट। इसके बाद हम चेक करते हैं कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपने बुक वैल्यू के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इसमें चल रहा है। तो रेडिको खेतान की प्राइस टू बुक वैल्यू है 8 टाइम्स, सुला की 7 टाइम्स, ग्लोबस की 4.13, तिलक की 4.32 और सोम की 3.02 पॉइंट मिलते हैं। रेडिको को 1, सुला को 2, ग्लोबस को 4, तिलक को 3 और सोम को मिलते हैं पूरे 5 पॉइंट। इसके बाद हम चेक करते हैं कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपनी सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे समय चल रहा है। तो रेडिको के अंदर 5.08 टाइम्स, सुला का 6.29, ग्लोबस 1.06, तिलक 1.79 टाइम्स और सोम में 0.76। तो हमें पॉइंट देते हैं रेडिको को 2, सुला को 1, ग्लोबस 4, तिलक 3 और सोम को मिले पूरे 5 नंबर फिर से। तो अब हम चेक करते हैं कि इन कंपनियों का पीजी रेशो कितना है। अब देखिए ये रेशो अगर 1 से ऊपर होगा तो कंपनी ओवर वैल्यूड मानी जाएगी, वहीं पर अगर ये रेशो 1 से कम होगा तो फिर कंपनी अंडर वैल्यूड मानी जाएगी। तो ये रेशो रेडिको के अंदर 2.87, सुला के अंदर 1.2, ग्लोबस में 0.39, तिलक के अंदर 1.86 और सोम का 1.66। तो हमने यहाँ पर केवल ग्लोबस को दिए 5 पॉइंट, बाकी किसी भी कंपनी को कोई नंबर नहीं दिया है। इसके बाद हम चेक करते हैं करंट रेशियो। मान लीजिए इन कंपनी को अपना कोई लोन चुकाना है 1 साल के अंदर, तो क्या ये कंपनियां दे सकती हैं। अब यहाँ पर एक रेशियो निकल के आता है जो कि 1 से ऊपर और 3 से नीचे रहना चाहिए। तो करंट रेशियो रेडिको का है 1.73, सुला के अंदर 1.51, ग्लोबस के अंदर 1.1, तिलक के अंदर 1.27, सोम के अंदर 1.23। तो हमने यहाँ पर रेडिको को दिए 5 नंबर, सुला को 4, ग्लोबस को 2, तिलक को 3 और सोम को मिली हमने 3 पॉइंट दिए, क्योंकि दोनों का ये ऑलमोस्ट आसपास है। इसके बाद हम देखते हैं क्विक रेशियो। मान लीजिए अगर 1 से 2 महीने के अंदर अपना कोई लोन चुकाना है तो क्या ये कंपनियां दे सकती हैं। तो रेडिको क्या है 1.07, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये रेशियो हर हाल में 1 से ऊपर ही होना चाहिए। तो सुला का 0.87, ग्लोबस का 0.76, तिलक का 1 और सोम के अंदर 0.8। तो हमने यहाँ पर केवल रेडिको और तिलक को ही 5 नंबर दिया, बाकी किसी को भी हमने कोई नंबर नहीं दिया है। इसके बाद हम चेक
करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मान लीजिए इन कंपनियों ने कोई लोन लिया था, अब उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे सकती है, नंबर जितना बड़ा उतना अच्छी बात। तो रिडिको का है 16.63, सोलह के अंदर 8.31, ग्लोबस के अंदर 14.9, तिलक के अंदर 3.6 और सोम के अंदर 6.48। पॉइंट मिलते हैं रेडिको को 5, सुला को 3, ग्लोबस को 4, तिलक को 1 और सोम को मिले 2 पॉइंट। इसके बाद हम चेक करते हैं कि मान लीजिए इन कंपनी के पास खुद का 1 रुपया, तो उस 1 रुपए के सामने इन कंपनी पे कितने पैसे कर्ज है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 0 होगी तो फिर दी बेस्ट होगी। तो रेडिको में 0.32, सुला के अंदर 0.33, ग्लोबस में 0.31 और तिलक के अंदर 0.52, सोम के अंदर 0.65 है। तो हमने यहाँ पे देखे सभी को 5-5 नंबर दिए, केवल तिलक और सोम को हमने 4-4 पॉइंट दिए हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। मान लीजिए इन कंपनियों के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, अब बदले में ये कंपनियां अपने शेयर होल्डर को कितना पैसा वापस दे रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी रेडिको के अंदर 9.98%, सुला के अंदर 15.89, ग्लोबस में 13.78, तिलक में 31.04 काफी अच्छा है और सोम के अंदर 16.06। तो हमने यहाँ पे रेडिको को दिए 1, सुला को 3, ग्लोबस को 2, तिलक को 5 और सोम को मिले 4 पॉइंट। इसके बाद हम चेक करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों ने अब जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की है तो वहां से कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। इससे हमें ये भी पता लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छे ढंग से काम कर रहा है। आरओसी रेडिको के अंदर 11.28, सुला के अंदर 21.97, ग्लोबस में 17.5, तिलक में 19.45 और सोम में 14.53। तो हमने पॉइंट दिया रेडिको को 1, सुला को 5, ग्लोबस को 3, तिलक को 4 और सोम को मिले 2 पॉइंट। इसके बाद हम चेक करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो रेडिको में 11.4, सुला में 31.7, ग्लोबस में 11.6, तिलक में 11.8 और सोम के है 12.7। तो हमने रेडिको को दिए 3, सुला को 5, ग्लोबस को 3, तिलक को भी 3 दिया और सोम को दिए हमने 4 पॉइंट। इसके बाद हम चेक करते हैं कि इन कंपनियों के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, प्रमोटर कितना है, एफआईडीआई से कितना है और कितनी म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इन सभी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। प्रमोटर का स्टेक्स है 40.27 रेडिको के अंदर, सुला के अंदर 27.33, ग्लोबस में 51%, तिलक में 41% और सोम के अंदर 33.11%। वही एफआईडीएच रेडिको के अंदर 42.14, सुला के अंदर 17.62, ग्लोबस में 10%, तिलक के अंदर 10.91% और सोम के अंदर 1.1%। म्यूचुअल फंड की बात करें तो रेडिको को अभी तक लिया 21 म्यूचुअल फंड ने, सुला को 4 ने, ग्लोबस को 1 और वहीं तिलक और सोम को किसी म्यूचुअल फंड ने अभी तक नहीं लिया है। इसके बाद हम चेक करते हैं कई इन कंपनियों के प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रख के मार्केट से पैसा तो नहीं उठाया है। तो प्लेजिंग रेडिको में 0 है, सुला के अंदर 9.56% प्रमोटर का प्लेज है, वहीं ग्लोबस के अंदर 0 है और तिलक के अंदर लगभग 79.97% प्लेज है, सोम के अंदर भी 0% है। तो हमने सिर्फ इन दो को छोड़ के बाकी हमने सभी को ही 5-5 पॉइंट दिए हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं इन कंपनियों के लेटेस्ट कॉरपोरेट एक्शन। तो रेडिको ने अभी तक देखिए कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, केवल सुला ने 5.25 रुपये का एक डिविडेंड अनाउंस किया था, बाकी किसी भी कंपनी ने कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। वहीं बोनस की बात करें तो वो भी किसी भी कंपनी ने कोई अनाउंस नहीं किया है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने 5 साल पहले रेडिको के अंदर 1,00,000 रुपये लगाया था तो आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती। तो टोटल अमाउंट आपका बनता कुछ 2,88,000 रुपये। वहीं क्योंकि सुला वाइनयार्ड 6 महीने पहले ही लिस्ट हुआ है तो उसमें आपके बनते आज कुछ 1.5 लाख रुपये। वहीं 5 साल में बनते आपके ग्लोबस के अंदर लगभग 10 लाख रुपये और तिलक के अंदर बनते आपके 8,93,000 और सोम के अंदर आपके बनते 2,12,000 रुपये। अब दोस्तों अब समय आ चुका हमारा फाइनल स्कोर का। पांचवी रैंक पे है 32 पॉइंट के साथ नाम है सुला वाइनयार्ड्स, फोर्थ रैंक वाले को मिले 35 नाम है रेडिको, थर्ड रैंक पे 40 पॉइंट के साथ सोम और सेकंड रैंक पे भी 40 पॉइंट मिले हैं, क्योंकि इस कंपनी का देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम है और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज्यादा है। तो उसका नाम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज, फर्स्ट रैंक पे 46 पॉइंट के साथ है ग्लोबल स्प्रेड्स। तो दोस्तों इस कंपैरिजन का विनर रहा है ग्लोबल स्प्रेड्स और दोस्तों मैं पर्सनली भी ग्लोबल स्प्रेड्स को ही प्रेफर करूंगा। आप किस कंपनी को प्रेफर करोगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज की कंपैरिजन वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे जरूर बता के जाए। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।